नगर पंचायत अकबरनगर स्थित संतोष इंटरप्राइजेज में मंगलवार को भागलपुर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं कहलगांव के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार भारती ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने जब दुकानदार से खाद बीज आदि बिक्री का लाइसेंस सहित पंजी की मांग किया तो दुकानदार ने खरी खोटी सुनाकर बदसलूकी कर दुकान से पदाधिकारी को बाहर कर दिया। दुकान बंद कर फरार हो गया, जिसके बाद पदाधिकारी ने थाना से पुलिस बल मंगवा कर दुकान का जांच किया। जांच के क्रम में पदाधिकारी अकबरनगर के कुशवाहा टोला स्थित गोदाम पहुँचे, जहां उन्होंने गोदाम का ताला तोड़कर दुकान मालिक के पिता एवं पुलिस कर्मी सहित अन्य कर्मी की मौजूदगी में गोदाम का जांच किया। सभी सामग्रियों की गहनता से जांच कर उचित कागजात दुकानदार द्वारा नहीं दिखाई जाने के बाद गोदाम को अन्य कर्मी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया। गोदाम का जांच करने के बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी खाद बीज की दुकान पर पहुंचे। वहां भी उन्हें कई प्रकार के खाद बीज से जुड़े अन्य सामग्री पाया गया, जिसका की वैध लाइसेंस दुकानदार के पास नहीं था। दुकान को पदाधिकारियों ने सील नहीं किया। उन्होंने बताया कि दुकान से होकर ही घर का रास्ता होने की वजह से दुकान सील नहीं किया गया, लेकिन दुकानदार के पिता से कागजात बनाकर हस्ताक्षर ले लिया गया है और कहा गया है कि जांच के दौरान जो भी चीजें पाई गई है उसे अगले आदेश तक सुरक्षित रखा जाएगा, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गोदाम सहित दुकान का जांच करने के बाद गोदाम को सील कर थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में अकबरनगर स्थित संतोष इंटरप्राइजेज दुकान पहुंचा था। जांच के दौरान दुकानदार से लाइसेंस सहित पंजी की मांग किया गया, दुकानदार द्वारा बदसलूकी किया गया, जिसके बाद पुलिस बल बुलाकर गोदाम सहित दुकान जांच किया गया, जिसमें कुशवाहा टोली स्थित दो गोदामों से विभिन्न प्रकार के खाद बीज पाया गया, जो अवैध रूप से बिक्री के लिए भंडारण किया गया था। खाद बीज के लिए वैध रूप से लाइसेंस दुकानदार के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सभी चीजों को गहनता से देखा जा रहा है, जांच के उपरांत जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। इस दौरान कृषि समन्वयक राजीव कुमार, अनुपम कुमार, किसान सलाहकार सहित पुलिस बल की टीम मौजूद रहे। मेरे पिताजी दिए हैं। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी गुजर गए तो 7 तारीख को गुजरे थे, 17 महीना में गुजरे थे, 4/7/2022 को। ठीक है, तो क्या इसमें रखते हैं वो? इसमें तो हम लोगों से बोल के लिया था सीमेंट और छड़ की है, तो बीच में सर वही खाद उतारे थे। अभी है खाद इसमें? अब हमको ये नहीं पता है सर, हम तो अभी तुरंत आए हैं घर। आपकी पत्नी से बात हुई थी, बोले थे कि खाद इसमें उतार के रखा हुआ है। हाँ सर, हम तो बहुत छान के चले गए थे, अभी हम तुरंत घर घुसे हैं तो लड़की गई, हम खाना खाइए रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये उसको रेंट पर दिए हैं पप्पू को, ही संतोष इंटरप्राइजेज जो चलाता है। जी जी। तो इसको यहाँ उसके द्वारा नहीं बताया गया कि यहाँ पर इसका गोदाम है, इसलिए इसको हम लोग तोड़वा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ गवाह में रहिएगा यहाँ पर भी खड़ा। ठीक है, क्योंकि आपका मकान है, आपके मकान को तोड़ रहे हैं तो सामने में देखिएगा ना कि क्या निकलता है इससे यहाँ, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी ये नहीं बताया गया है। मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं आना। आपके ऊपर कंप्लेंट क्यों आएगा? आप कंप्लेंट नहीं, ये आपका घर है। सूचना मिली थी यहाँ कि यहाँ पे यहाँ जो ये जो खाद है वो इलीगल बेचा जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि गलत यहाँ खाद मिलता है। तो उसी क्रम में यहाँ पर आए तो इसे जब मांगा गया कि भाई आप अपना यहाँ अनुगति जो लाइसेंस होता है वो दिखाइए, तो उनके द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाया गया और दुकान को फोर्सली बंद कर दिए वो लोग, जो कि नियमानुसार नहीं है। और इसी क्रम में मैंने उनको बोला कि आपका कहाँ गोदाम है खाद का, ये दिखाइए, तो वो कुछ नहीं कोऑपरेट किए हैं। तो यहाँ पर यह लोकल स्तर से जांच करके पता चला इनका दो गोदाम है यहाँ आपास ही में, थाना को बुला लिया गया इसके लिए। और उसका यहाँ जो है अभी जो ये क्या कहते हैं सबूतनामा बनेगा, कितना है उसका जब्ती में बनेगा, क्या क्या मामला है, कितना खाद के पास है, और सारे जाँच करके इसको यहाँ एफआईआर दिया जाएगा। मैंने गैर लाइसेंसी तौर पर यहाँ पर खाद बिकने का सूचना था, उसी पर जाँच किया गया। तो ये क्रम में ये लोग जो है जो दुकानदार हैं वो फरार हो गए हैं, तो थाना को बुलाया गया इस संदर्भ में,
और सभी लोग की मदद से इसको खुलवाया जाएगा और डीओ को भी बुलाया गया है, कोऑर्डिनेटर भी आ गए हैं और उसको फोन करके पूरा बनाया जाएगा। दुकानदार तो इसमें बताया था पप्पू नाम है और बाहर में संतोष एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है और इसके पास कोई भी दुकान का लाइसेंस नहीं। सामने में एक गोदाम है वहाँ पर भी संतोष जाँच की जाएगी और सारा इसका जानकारी।